ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर पैट कमिंस ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि भारत को कोरोना से लड़ने के लिए $50,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए की मदद करेंगे। देश भर में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने ट्विटर पर एक नोट लिखकर पैट कमिंस की तारीफ की थी और साथ में ब्रेटली ने कहा था कि इंडिया उनका दूसरा घर है। लेकिन अब खबरें आ रही कि पैट कमिंस $50,000 का डोनेशन पीएम केयर फंड में नहीं देंगे बल्कि ये डोनेशन यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया को देंगे जो कि भारत में कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद कर रही है। तो दोस्तों अब क्या कारण रहे होंगे कि ये डोनेशन जो है पीएम केयर फंड में सीधे नहीं जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि पीएम केयर फंड से आ रहा है या यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। अभी ज़रूरत है मदद की, तो दोस्तों मदद की ज़रूरत है देश को और ये कोरोना से लड़ाई में चाहे जहाँ से पैसा आए ये बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। और आपकी क्या इस पर राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिए कि पैट कमिंस ने ऐसा क्यों किया होगा कि अभी पीएम केयर फंड में घोषणा कर चुके थे देने की लेकिन उसके बाद में यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया के थ्रू दे रहे हैं। क्या इसके राजनीतिक कारण रहे होंगे या खुद से कुछ मन बदला है। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे कि आपको जो नई अपडेट हो वो आपकी मिस ना हो। IPL से जुड़ी और खबरों पे हम नज़र बनाए हुए हैं दोस्तों, जैसे ही कोई और खबर आती है हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर इस इंसिडेंट के बारे में बताएं। दोस्तों जय हिंद।